प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा पर उनकी पत्नी यास्मीन ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। यास्मीन इस वक्त हमारे साथ भी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, 19 अक्टूबर को क्या हुआ था, क्योंकि सीसीटीवी में साफ तौर पर ये दिख रहा है कि आपके ऊपर कार चढ़ाने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को इन्होंने फोन किया था 11:30 बजे, 12:45 बजे तकरीबन। ये परेशान थे और ये मुझे लगा बहुत बीमार उमार है, तो मैं अपने छोटे वाले बेटे को लेकर के गई। मैंने कहा तू चल डैडी के पास सो जाना, मालिश वालिश कर देना, पैर दबा देना। और जब मैं पहुंची तो वो नहीं थे। फिर मैं उनको फोन की तो उन्होंने फोन पिक नहीं किया। तो मैं 3 बजे सो के उठी, मैं नमाज पढ़ती हूँ तहज्जुद की, 3 बजे सो के उठी तो मैं इनके पास वापस से चली गई। 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मैं रहती हूँ अलग, इन्होंने जबरदस्ती मुझे अलग रख रखा है मई से। उसके बाद मैं आती जाती हमेशा रही हूँ, मेरा रिश्ता इनके साथ फिजिकली है। और ये मुझे मतलब खाना पीना सब ठीक है, लेकिन मुझे अलग रख रखे थे ये मई से, सिर्फ ये 2022 से। तो मैं आई 3 बजे, तो देखी मैं कि 3:02-3:04 जो भी हो रहा था, देखी मैं आयशा सुपेरिया अमन के साथ गाड़ी में बैठ करके रोमांस वही लोलो पोपो चोचो चल रहा था इनका। तो मैं आई, मैंने कहा आप बाहर निकलिए, मुझे बात करना है। तो ये मेरे को देख करके गाड़ी आगे पीछे करने लगे। मैंने कहा आपको जाने नहीं दूंगी, आप बाहर निकलिए, मुझे बात करनी है आपसे। तो वो रुके नहीं, ना मेरी बात सुने ना बाहर आए। और पहले तो उन्होंने गाड़ी मेरे उल्टे पैर पे चढ़ाया, फिर मैं सीधा स्ट्रेट गिरी, मेरे सर में टांके लगे यहाँ पे। और उन्होंने फिर से गाड़ी को ऐसे घुमाया टायर को और निकालने के लिए, और मेरे यहाँ से गाड़ी वापस से दोनों पैर पे चढ़ा दिया। इतने में मेरी चीख सुन करके जो वहाँ पे लोग अवेलेबल थे वो आए दौड़ के, जैसे कि वीडियो में भी देख सकते हैं आप लोग। तो वो देख करके आए तो उन्होंने कहा ऐसे रोका और चिल्ला करके कि रुको रुको करके। तो फिर मुझे उन्होंने निकाल करके फिर वो गाड़ी लेके चले गए। अगर वहाँ पे लोग नहीं आते तो वो पीछे के टायर भी चढ़ा देते। आप कह रही हैं कि आप उनसे अलग रह रही थी, आपकी शादी कब हुई थी और आप अलग क्यों रह रही थी उनसे? शादी 2014-20 फरवरी को इसी कोर्ट में हुई थी, निकाह हुआ था मेरा, क्योंकि वो हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ। और मैं शादीशुदा 3 बच्चे की माँ थी, उन्होंने सब जानबूझ करके 9, 10, 11, 12, 13, 14 चार महीना स्ट्रगल करके मुझसे शादी किया उन्होंने, क्योंकि मेरे घर वाले अंकल मेरे नहीं मान रहे थे कि वो हिंदू है, शादी नहीं हम कर सकते। तो उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए मुस्लिम कबूल किया, तो अपने आप को कवारा बताया। मुझे कुछ डाउट हुआ, मैं उसको क्लियर करना चाहती थी कि मैं घर जाना चाहती हूँ आपके, मैं देखना चाहती हूँ कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। लेकिन उन्हें बहुत एक्सक्यूज दिए, रोए गाए, गाड़ी अपना लखनऊ में ही एक्सीडेंट किए कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, मैं शादी तुमसे करूंगा, मतलब इमोशनली। फिर मैं शादी की, लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज से हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद सब ठीक चल रहा था। 25 फरवरी 2014 से लेकर के इस 2022 मई तक मैं उनके साथ ही रह रही थी, लखनऊ में उनके घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। मतलब बच्चे बोर्डिंग में थे, फिर लॉकडाउन के बाद से बच्चे साथ में रहने लगे। फिर जब मुझे पता चला कि ये 2021 में इनकी अय्याशी चल रही है, डाउट हुआ तो मैं इनको क्वेश्चन आंसर करने लगी कि मैं मुंबई में रहूंगी, आप मुंबई में रहने लगे ज्यादा, मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं तो आपके लिए यहाँ रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गई, आना जाना हुआ, फिर सब ठीक लग रहा था, ये मैनेज कर रहे थे अपनी ऐबों को छुपाते। 2022 में 14 फरवरी को मुझे कंफर्म हुआ कि ये किसी मॉडल होटल के चक्कर में है और इनका बहुत तगड़ा वाला अफेयर चल रहा है। तो मैं इनको जिद करने लगी कि मैं मुंबई में रहूंगी, तो ये मना करने लगे। फिर मैं जिद करके मार्च में इधर आई तो 22 मार्च को मैं आई, तो 24 मार्च को मुझे आयशा सुप्रिया अमन फोन करके कह रही है कि तू रखेल है इनकी, मैं इनकी वाइफ हूँ। क्योंकि 2 दिन मैं यहाँ थी, 22 को आई, 24 को 2 दिन ये गए नहीं मेरे को छोड़ के रात में, दिन में तो ये पूरा दिन उसी के साथ थे, तो मुझे पता नहीं चला काम के बहाने। रात को ये गए नहीं, तो उसका फोन आया मेरे पास, जो इन्होंने स्टेटमेंट उधर दिया था कि बीवी नहीं है, फंस गया हूँ फलाना ढिकाना, तो वो मेरे को फोन करके कह रही है। तो 24 मार्च को भी अम्बोली थाना में अप्लीकेशन या NCR जो भी है वहाँ पे रजिस्टर है कि मैं 24 मार्च को वहाँ पे गई थी मेरे हस्बैंड के साथ आयशा के मैटर में। फिर उसके बाद वहां से शुरू हुआ आयशा का मैटर। आयशा सुप्रिया अमन को मैं कॉल करके, उन्होंने मुझे कॉल किया, उसका नंबर मेरे पास है, उसको कॉल करके मैं पूरी सच्चाई बताई कि देखो आप उसको जानती हैं? हाँ एकदम, और मेरे पास कई सारी रिकॉर्डिंग है जो मेरे खिलाफ, मेरे हस्बैंड के खिलाफ वो भी वो बोली है और मेरे से भी लड़ी है। तो मेरे को वो बोलती है, मैं उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि हम दोनों की जिंदगी से चली जाओ, मैं ऑलरेडी फंस गई हूँ शादी में, ऑलरेडी ये शादीशुदा है। अभी मैं सोच रही थी कि मैं दूसरी वाइफ हूँ, लेकिन ये मैं तीसरी वाइफ हूँ, क्योंकि एक नेहा मिश्रा करके गोंडा में है, वो भी इनकी वाइफ है, वो भी 2 बच्चे की माँ है, टोटल इनकी तीसरी वाइफ मैं हूँ, 5 बच्चे हैं इनके। ये औरतों से मिलते हैं, उसकी कमजोरी को पकड़ते हैं, सीधी सादी को फंसाते हैं, फिर उसको अपनी इमोशनल ड्रामाबाजी कहानी सुनाते हैं, और उसको जब तक
वो सह सकती है तब तक इनके पास रह सकती है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपने FIR पुलिस में कब दी, क्या उसी दिन आपने FIR की थी और पुलिस आपको अब क्या कह रही है, क्योंकि अभी तक अगर FIR आप कह रही 19 को ही हो गई थी और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, वो तो भाग गए, वहाँ की सोसाइटी के जितने भी लोग थे सब ने एम्बुलेंस बुलाए, पुलिस बुलाए सब। वहाँ मैं हॉस्पिटल में, कोकिला बेन हॉस्पिटल में पुलिस आकर के स्टेटमेंट मुझसे ली। पुलिस को मैं हिंदी में बोल रही थी, मुझे मराठी नहीं आती, तो मैं पुलिस को हिंदी में बोल रही थी मेरी तकलीफ सारी। तो पुलिस मुझे बोलती है, वो जो सर साथ में थे बोलते हैं कि पूरी फिल्म मत बताओ, शॉर्टकट में बताओ मुझे, ठीक। और मैं तो आधी ऑलरेडी मैं बेहोश थी या तकलीफ में थी, और मैं बता भी रही हूँ तो वो लिख नहीं रहे बराबर। 19 तारीख को ही हो रहा है। हाँ, लिख नहीं रहे, मुझे कह रहे पूरी फिल्म मत बताओ, शॉर्टकट में बताओ। मैं कह रही हूँ आयशा भी साथ में थी और आयशा की वजह से उन्होंने एक्सीडेंट किया या उसके कहने से किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड ड्राइविंग सीट पे थे तो मेरे हस्बैंड ने किया, लेकिन आयशा भी बराबर किया, उसका भी मेंशन करिए जो भी आप कानून के हिसाब से होता है। लेकिन कुछ दोनों के हिसाब मेंशन मेरे को लगता है कुछ अच्छा हुआ नहीं, कोई एक्शन वेक्शन लिया नहीं जा रहा है। अब वो बार भागने के फिराग में है या भाग भी चुके हैं, आज भाग जाए कल भाग जाए पता नहीं। आपने कोई NC वगैरह भी पुलिस को दी है जिसमें आपने मांग की है कि एक्शन लिया जाए? FIR दर्ज हुई है, ये FIR की कॉपी है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये तीन तीन एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है जो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ जेल में भेज दूंगा नहीं तो कम्प्रोमाइज कर लो, दूसरा एप्लीकेशन है आयशा का, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे डाला इनकी सच्चाई थोड़ी आयशा के साथ, जो फोटो वोटो गोद में उठा करके सिंदूर भरा हुआ, तो उनकी जो जितने भी अय्याशी के प्रूफ है थोड़ा डाली हूँ, तो मुझे धमकी दे रहे कि उसको हटाओ नहीं तो तुम्हारी बेटी के साथ तुमको जेल कर देंगे। कब से धमकियां आ रही हैं? ये आफ्टर एक्सीडेंट 20 तारीख से, 20 से। उसके बाद वहाँ लखनऊ चले गए जब 20 तारीख को, तो वहाँ से भी मुझे पुलिस से फोन करवा रहे हैं, वहाँ फर्जी FIR कर दी है मेरे खिलाफ 12 सितंबर को, तो वहाँ अभी तक पुलिस का कोई फोन नहीं आया था। 12 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर को फोन आता है कि मैडम आपके नाम पे FIR है, आप आइए लखनऊ, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तकलीफ में हूँ, मैं कैसे आऊँ? बोले कि वो सब मुझे नहीं पता, आपको जैसे टाइम मिले आप आइए। तो मेरे हस्बैंड बहुत चाल चल रहे हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा रूम का रेंट जो है मकान मालिक को बोले खाली करवाओ घर, मेरे को नहीं रहना है, बल्कि उनको अच्छे से पता है कि मैं फाइनेंशियली जीरो हूँ, काम नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है। एज ए प्रोफेशन आप क्या करती हैं? मैं पहले भी आर्टिस्ट थी, अभी भी आर्टिस्ट हूँ बॉलीवुड में, लेकिन इन्होंने मेरे हाथ पर काट के घर में बिठा रखा 9 साल से, तो मेरे को अभी बॉलीवुड में कोई जानता नहीं, कोई काम दे नहीं रहा है। मैं बहुत कई महीनों से कोशिश कर रही हूँ काम के लिए, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, हाउसवाइफ हूँ इनको फिलहाल, तो अभी तक तो हाउसवाइफ ही रही हूँ। क्या एक्शन चाहती है पुलिस से? पुलिस ने अब तक हालांकि उनको कुछ एक्शन लिया नहीं है, क्या मांग है आपकी, क्या एक्शन चाहती हैं आप पुलिस से? पहली बात तो ये FIR है, मैं चाहती हूँ कि FIR में जो उन्होंने धाराएं लगाई है वो ये वीडियो देखे, वीडियो के हिसाब से जो धाराएं होती है उसको चेंज की जाए प्लीज। जो CCTV फुटेज है वो कैसे आपको मिला, क्या सोसाइटी से मिला या आपने कोर्ट के थ्रू उसको निकाला? कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन दी, एक एप्लीकेशन में पर्सनल दी और दो दो तीन तीन एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दी हूँ जो उनकी धमकियों का है। और मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, अगर मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास सच प्रूफ है सच का, तो मेरे को इंसाफ चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी सजा चाहिए, सजा दे जिन्हें भी देना है दे, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरा पैसा रोक दिए खर्चे का, रूम खाली करवा रहे हैं, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास कोई भी नहीं है, और वो मुझे हर तरह से मजबूर कर रहे हैं कि ताकि मैं कंप्रोमाइज कर लूं और ये फिर से किसी को पटाए और किसी की जिंदगी और खराब करे, खूब करे मेरे बाप का क्या है, लेकिन मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं ये हर तरह से। क्या धमकी भरे फोन मैसेजेज इंसिडेंट की बात भी कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है, मुझे कह रहे तुम्हारी बेटी के साथ तुमको जेल करवा देंगे फंसा करके, एक दूसरा कि मेरे को मेरे बेटा है ये 15 साल का, उसके सामने में मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था, वो बच्चे को मेरे खिलाफ भड़काता है कि घर में मैं पुलिस से बात कर रही हूँ या किसी सहयोग से बात कर रही हूँ, मेरा छोटा वाला बेटा जो 15 साल का है वो नीचे जा करके डैडी मम्मी से बात कर रही है, मम्मी उससे बात कर रही है, फिर उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, उसके लिए मैं इसको लाफा मारी दो चार, तो ये जा करके बाहर से बोला डैडी मम्मी मुझे मारी है, तो बोलता जाओ जाओ कंप्लेन कर दो मम्मी के खिलाफ, ऐसा उसको ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये यास्मीन है कमल किशोर मिश्रा की पत्नी, जिनके ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, FIR भी पुलिस ने दर्ज की है, अम्बोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ नहीं लिया गया है। उनकी पत्नी अभी भी जो है
वो चोट जहां पर लगी है जिसके चलते वो सही से चल नहीं पा रही हैं, और जाहिर तौर पर क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उनकी मांग ये सीधी सीधी है कि पुलिस सबसे पहले जो सेक्शन FIR में उन्होंने जोड़े हैं उसको हटाकर उसको बदलाव करे और साथ ही साथ कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ये यास्मीन की मांग है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।